नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांड की गई वीडियो है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को कि आखिरकार स्पॉट राउंड के अंदर सीट्स आती कहां से हैं, आखिर क्यों दोस्तों स्पॉट राउंड के अंदर इतनी रैंक नीचे गिर जाती है और कम रैंक पर भी सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि मैं करता हूं, तो आप लोगों के लिए किस तरह से सीट्स बढ़ जाती हैं दोस्तों, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि क्या दूसरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की भी सीट्स बढ़ती हैं या फिर नहीं बढ़ती हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिए दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अदरवाइज़ आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी अगर आप स्किप कर देंगे और बाद में फिर आप कमेंट्स में दोस्तों यही चीज़ें पूछते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नया है या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो गाइज, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आगे भी आने वाली हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। बिना टाइम गवाए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह क्लियरली बता दूं कि स्पॉट राउंड के लिए दोस्तों कहीं अलग सेपरेट से सीट्स नहीं होती हैं। जो सीट्स ऑलरेडी फर्स्ट राउंड से होती हैं दोस्तों, उतनी ही सीट स्पॉट राउंड के अंदर भी होती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे तो फिर सर इतनी ज़्यादा रैंक कैसे नीचे गिर जाती है, और दूसरी चीज़ ये कि सर सीट्स कैसे मिल जाती हैं, सर मतलब कहाँ से आती हैं ये एक्स्ट्रा सीट्स। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को समझा दूंगा और वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कहा था एकेडमिक वीडियोज़ बनाने के लिए, सो ये वीडियो दोस्तों एक टाइप से एकेडमिक टाइप की ही समझ लीजिए। इस वीडियो को आप देखिए और दोस्तों आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि एकेडमिक वीडियोस का लेवल किस तरह का होने वाला है। देखिए गाइस, इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि जो भी सीट्स दोस्तों आप देखते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, सीट्स उतनी ही रहती हैं। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं गाइस, उसको स्पॉट राउंड तक कन्वर्ट नहीं किया जाता है। और गाइस, जैसे ही स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है तो जो भी वैकेंसीज दोस्तों बची हुई रहती हैं वो सारी सीट्स जो है वो कन्वर्जन हो जाती हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी में फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनकी सीट्स को कन्वर्ट करके जनरल कैटेगरी की सीट्स बना देते हैं, जो OBC के अंदर फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं उनकी सीट्स को OBC में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से SC ST और अदर जो कैटेगरीज होती हैं उन सबको कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो जैसे ही दोस्तों सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं तो जिनकी रैंक कम भी आती है दोस्तों, उन लोगों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है स्पॉट राउंड करने के बाद। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों स्पॉट राउंड करना बेस्ट रहता है गाइज। अब जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो आप लोगों को बता दूं कि पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट्स को चेंज किया जाता है, यानी कि जो जनरल वाला फिज़िकली डिसेबल्ड है उसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे, OBC वाला फिज़िकली डिसेबल्ड को OBC में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज, ये सारे कन्वर्जन्स करने के बाद अगर कोई सीट्स रिमेन रह जाती हैं, बच जाती हैं, उसको भी दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की सीट्स मैक्सिमम इंक्रीज होती हैं दोस्तों, और काफ़ी टफ फाइट भी रहती है जनरल कैटेगरी में रैंक्स को लेकर दोस्तों, इसलिए उसकी सीट्स को सबसे पहले इंक्रीज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह से ये प्रोसेस NCHM बार बार करता रहता है जब तक कि दोस्तों OBC EWS इन सारी कैटेगरीज में दोस्तों जो सीट्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए दोस्तों, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। और एक चीज़ गाइस, जो SC और ST की सीट्स होती हैं, मैं यहाँ पे फिज़िकली डिसेबल्ड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल SC ST वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स की सीट्स दोस्तों कन्वर्ट नहीं होती हैं, चाहे भले ही सीट रह जाए खाली, लेकिन दोस्तों इन लोगों की सीट्स को बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं किया जाता है।
सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you.